हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उम्मीद है कि आपने देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में अपलोड करूँगा और आप देखें ज़रूर, क्योंकि एनसी जो हमारा ज्योमेट्री है वो क्लास 9th की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, क्लास 8th जैसी बिल्कुल नहीं। इसलिए आप अगर इनको बारीकी से देखते रहेंगे तो आपको क्या होगा कि टॉपिक सिंपल से लगने लगेंगे। तो ये डायग्राम में गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि यहाँ पर 110 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 130। और हमने क्या किया कि यहाँ से इसके इस लाइन के पैरेलल यहाँ इस पॉइंट से पास होती हुई एक ये लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरीके से नेमिंग दे रखी है हमें कि पी क्यू आर, यहाँ पर पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी है, ठीक है। और ये 130 डिग्री है, ये आर है। तो हमें क्या निकालना है और क्या हमें गिवन है ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आर है और यहाँ पर क्या लिख दूँ, ए भी लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ठीक है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है। और एंगल टी एस आर इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एंगल क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू आर एस, ठीक है, कि ये कितना होगा। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों। हमने सबसे पहले लिखा कि ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू विच इज पासिंग थ्रू कहाँ से पास कर रही है, पासिंग थ्रू आर। अब देखो बच्चों, हमने ए बी पैरेलल पी क्यू बनाई और पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तो विच अप्लाई दैट कि पी क्यू पैरेलल हो गई हमारी किसके, पी क्यू पैरेलल तो ए बी के गिवन ही है और ये पैरेलल हो गई एस टी के, यानी तीनों लाइनें पी क्यू ए बी एस टी तीनों आपस में पैरेलल हो गई। तो अब आप देखो कि ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ क्या लिखते हैं, को इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब पी क्यू आर बराबर कितना है, 110 डिग्री का प्लस एंगल ए आर क्यू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल ए आर क्यू बराबर कितने का हो गया, ए आर क्यू इज इक्वल टू, इसको इस साइड अगर लाओगे तो 70 डिग्री का। तो ये वाला एंगल हो गया 70 डिग्री का, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। अब हमारे पास बुक अवेलेबल है, मैं उस बुक से देख लेता हूँ या फिर बैक कर देता हूँ इसको। अब एस टी पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने क्या कि एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 130 डिग्री का है, प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर बी 180 माइनस क्या हो गया, 130 डिग्री, यानी ये 50 डिग्री का हो गया। अच्छा, ये वाला एंगल अब 50 डिग्री का आ गया मेरा। अब देखो ये प्लस ये प्लस ये क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है ना।
मैं लिख लेता हूँ इसको कि बुक से देख लूँगा मैं कि एंगल, यहीं से निकाल के देखूँगा भाई कि एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर, और क्या था नेम, एस आर बी। इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, एंगल्स एट अ पॉइंट द सेम साइड, सेम साइड ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो ए आर क्यू हमारा कितना आया था 70 डिग्री का, ये हमने फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, और ये हमारा था 50 डिग्री का 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस बराबर कितना हो गया, 50 और 70 को ऐड कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। उम्मीद है आपको ये बात ये समझ में आया होगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या डायग्राम है, ये दो पैरेलल लाइनें हैं और इन पैरेलल लाइंस के बीच में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूलों में इसको पेपर में पूछा जाता है। ये लिखा है कि पी, ये लिखा क्यू, ये लिखा आर, यहाँ पे डी है, ये सी होगा, ये ए है, ये बी है, ये एंगल हमें कितने डिग्री का गिवन है, 22 डिग्री का, जो कि फाइंड आउट करना होगा, ये कितने डिग्री का 50 डिग्री का, और ये एंगल कितने डिग्री का 127 डिग्री का। ठीक है, हमसे कौन सा फाइंड आउट करवा रहा है, एक्स डिग्री और 22 डिग्री, यानी ये वाला एक्स। तो यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ सॉल्यूशन में हमें क्या, पहली बात तो क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, एक एंगल 50 डिग्री का गिवन है, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, और एंगल पी आर डी, पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स और एंगल वाई, ये दोनों फाइंड आउट करनी है। बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये भाई दो पैरेलल लाइनें हैं ऐसे, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो हमारा 50 के बराबर, यानी एंगल ए पी क्यू बराबर किसके होगा, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ए पी क्यू कितने डिग्री का, 50 डिग्री का, पी क्यू आर कौन सा है, एक्स है, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अब देखो ये एंगल जो हमारा, फिर लिखते हैं कि एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, पी आर डी, पी आर डी कितने डिग्री का, 127 डिग्री का, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये आई एन टी है, इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो ए पी आर बराबर किसके है, 50 प्लस बाई के, और पी आर डी बराबर 127, तो बाई बच्चों कितना हो जाएगा, 127 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो 7 आ गया, यानी 77 डिग्री का ये हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन थे, और इसके नीचे एक प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि जो है फिजिक्स में भी है, कि अगर इंसिडेंट रे किसी प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे बनाती हैं। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन है वो, जो कि आप खुद ट्राई करेंगे, और ये हमारी एक्सरसाइज थी 6.2, आप इसको देखें, दोनों क्वेश्चन समझ में आए।
वीडियो को लाइक करें। चैनल बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।